हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है और इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए चलते अपने मोबाइल की तरफ और देखते कि इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। सो गाइस, मैं अब आ जाता हूँ रील्स के सेक्शन पे। अब रील्स कैसे अपलोड किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली सबसे पहले आपको एक ऐसा कवर चूज करना है जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो और यूज़र्स को देखने में। आपका ये कवर ऐसा लगना चाहिए कि आप एक पोस्ट की हो, आप कोई वीडियो पोस्ट नहीं की हो, आप एक पिक पोस्ट की हो अपने फीड पे या अपने रील्स सेक्शन पे। आपको ऐसा कुछ अट्रैक्टिव अपने पोस्ट के, मतलब कि ये जो रील्स पोस्ट है उसके आगे एक कवर चूज करना है जो कि अच्छा लगे और यूनिक लगे और वो कवर से आपका जो बंदा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो मिल जाए। उससे आपका जो भी प्रोफाइल विजिट करे वो आपके ये वाला पोस्ट पे क्लिक करके तो सिंपली पूरा वॉच कर सके रील्स। अब आपको कैप्शन पे क्या लिखना है, आपका जो रील्स आप जो मेक किए हो, अगर आपका कोई डायलॉग है या कोई सॉन्ग है कुछ ऐसा है तो आपको कैप्शन पे दो या तीन वर्ड का कुछ ऐसा लाइन लिखना है या चार वर्ड का कुछ ऐसा लाइन लिखना है जो कि पढ़ के जो यूज़र्स है, जो आपका इंस्टाग्राम रील्स के यूज़र्स है, जो आपको दूसरा बंदा जो फॉलो करता है या आपको कोई भी यूज़र्स है इंस्टाग्राम रील्स में, वो बंदा देखते ही आपका जो लाइन पढ़ते ही वीडियो पे रुक जाए। और आपको ऐसे एट्रैक्टिव दो तीन इमोजी भी यूज़ करना है जो कि थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद आपको ऐसा पांच हैशटैग यूज़ करना है जो कि वायरल हैशटैग हो। आपको पहला हैशटैग यूज़ करना है रील्स, हैशटैग रील्स। आपको दूसरा हैशटैग जो यूज़ करना है वो हैशटैग एक्सप्लोर। आपको तीसरा हैशटैग जो यूज़ करना है वो है रील इट फील इट, नहीं तो आप तीसरा हैशटैग इंस्टाग्राम रील्स भी लिख सकते हो, यानी तो आप तीसरा हैशटैग इंस्टाग्राम भी कर सकते हो। आपको अब क्या करना है, आपको पांच ही हैशटैग यूज़ करना है, आपको तीन हैशटैग ये यूज़ करना है और दो हैशटैग आपको अपना मन से यूज़ करना है जिसके रिलेटेड आप वो वीडियो बनाए हो, वो एंग्री है, सैड है, क्या है, उसके रिलेटेड आप एक हैशटैग यूज़ कर लो और एक हैशटैग अपना यूज़ करना है जो कि आप अपना खुद का हैशटैग बनाए हो वो यूज़ करना है। तो सिंपली आप ऐसे पांच हैशटैग यूज़ कर लो अपने रील्स के कैप्शन पे और उसके बाद आपको सिंपली नीचे में जाना। नीचे में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर फीड पे शेयर कर देना अपने पोस्ट को जो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन मिल जाए। और यहाँ पर आपको कवर जरूर चूज़ करना है, क्रॉप करके आपको पोस्ट कवर जरूर चूज़ करना है जो कि आपको जो फीड में शेयर होगा तो वहाँ का थोड़ा लुक अच्छा होगा और कोई भी बंदा, कोई भी फॉलोअर्स आपके पोस्ट में, आपके प्रोफाइल पे आता है तो सिंपली आपको थोड़ा अच्छा लगेगा वो पोस्ट और वो पोस्ट आप खोल के देखेगा भी। तो सिंपली यहाँ पर टैग पेपर में खुद को टैग कर देना क्योंकि आपका जब वीडियो रील सेक्शन पे चलेगा, एक्सप्लोर पे चलेगा तो कोई भी यूज़र तो आसानी से आपके इस आपके यूज़र नेम को टैप करके आपके प्रोफाइल पर विजिट कर सकता है। तो सिंपली मेरा वीडियो हो गया अपलोड, तो यहाँ पर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो आप नहीं किए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कुछ भी पूछ सकते हो। तो मेरा पोस्ट हो गया है पोस्ट। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अभी तक नहीं हो तो चैनल को जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।